आप सभी को नमो बुद्धाय। मैं आज आपके सामने एक छोटी सी प्रेरक कहानी लेके आई हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को इसका लाभ हो। आज से 91 कल्प पूर्व काल में विपस्सी तथागत के जन्म से पूर्व पच्चक बुद्ध का काल था। उस समय एक गृहस्थ अपने गन्ने के खेत में जाता है और अपने बड़े भाई के लिए दो गन्ने काटकर उसके मुख पर रस्सी से बांध लेता है, क्योंकि उसका काल के गन्ने का रस उल्टा करते ही सब नीचे गिर जाता था। रास्ते से आते समय पच्चक बुद्ध को देखता है और अभिवादन कर बहुत श्रद्धा के साथ दोनों गन्ने का रस बुद्ध के पात्र में डालकर पूजा करता है और प्रार्थना करता है। इस पुण्य से सुगति लोक में संसरण करता हुआ अंत में निब्बान प्राप्त करूं। घर आने के बाद बड़ा भाई बोलता है, तू खेत में गया और मेरे लिए एक गन्ना तक नहीं लाया। वह कहता है, भाई नाराज मत होना, मैंने आपके लिए मेरे लिए लाया था। परंतु रास्ते में पच्चक बुद्ध मिले, उनको दान दे दिया, इसलिए उसका अनुमोदन होना। ऐसा कहने पर अत्यंत प्रसन्नता से साधु 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 कहकर प्रार्थना करता है। इस पुण्य से मुझे पच्चक बुद्ध ने प्राप्त किया धर्म अवबोध हो। वे दोनों बाद में सुगति जाते हैं। फिर विपस्सी तथागत बुद्ध के काल में दोनों मनुष्य लोक में आते हैं। बड़ा भाई उस बुद्ध शासन में अरंत हो जाता है, परंतु छोटा भाई बहुत पुण्य करता है, प्रवज्जित भी नहीं होता। लेकिन हमारे गौतम बुद्ध के समय में अपने पुण्य के बल से प्रज्ञा में पक्व होकर मुक्त होता है। इस प्रकार वे अपने पुण्य से निब्बान पाने में समर्थ होते हैं। इसीलिए भी सदा निब्बान के लिए पुण्य हो ऐसी चेतना से पुण्य करें। सब पे सब।